तीन से चार मिनट के लिए इनको हल्की आंच पे पकाऊंगी। ये हल्की आंच पे बनाएं तो बड़ा मजा आता है, खाने का भी और पकाने का भी। आज माशाल्लाह जी हम बनाने लगे हैं मिक्स सब्जी, गोभी, मटर, गाजर। गाजरें देखें कितनी प्यारी और कलर खूबसूरत आ रहा, रेड गाजरें, जैसे आजकल सारा खून गाजरां चों ही पिया निकलता है। ते आलू, ते मेरे हस्बैंड दो तीन दिन का कह रहे थे मिक्स सब्जी बनाओ, मिक्स सब्जी बनाओ। मिक्स सब्जी असी त्या ही पाते जे गोभी, गाजर, मटर, आलू, बाकी लोग मेथी भी डाल लेते हैं, मूंगरे भी डाल लेते हैं, शलजम भी डाल लेते हैं, नहीं सिर्फ हम मिक्स सब्जी में ये चारों सब्जियां हमारी होती हैं। तो ये मैं रेसिपी शेयर करूंगी माशाल्लाह आज आप लोगों के साथ। सब्जियां मैंने सारी बना ली हैं माशाल्लाह, आलू भी छोटे छोटे मैंने क्यूब्स छोटे छोटे काट लिए हैं, गाजरें भी काट ली हैं, मटर निकाल के दो किस तरह रख ली हैं, गोभी है, प्याज है, देज की मैंने ऊपर रख दी है, बिस्मिल्ला है, प्याज डाल दी है। अब ऑयल डालूँगी इसमें या घी जो भी आप खाते हैं। टमाटर और मिर्चें भी मैंने काट ली हैं। घी मैंने डाल दी है, मतलब मैं ऑयल ही खाती हूँ, ऑयल डाले हैं मैंने। अब मैं डाल दूँगी अदरक लहसुन की पेस्ट डालनी है, अभी ये फ्राई हो जाए फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो सब्ज़ी बना रही थी मिक्स सब्ज़ी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं मिक्स सब्ज़ी कैसे बना रही हूँ। अब माशाल्लाह सर्दियाँ आ रही हैं, मिक्स सब्ज़ी का सीज़न आ गया है, गोभी का, मटर का, गाजरें सब ताज़ी सब्जी है। प्याज को मैंने फ्राई कर लिया, अब अदरक लहसुन की पेस्ट डाल देती हूँ। लहसुन की पेस्ट मैंने डाल दी है, एक चम्मच मैंने अदरक की पेस्ट डाली, एक चम्मच मैंने लहसुन की पेस्ट डाली है। तो अब मैं डाल दूँगी इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चें, इसमें डाल, बड़ा मज़ा आता है सब्ज़ी बना के खाने से। एक एक जो खानी है रोज, एक दिन आलू गोभी, एक दिन आलू मटर, एक दिन आलू गाजर, सारी एक दिन ही खा लो। फिर अगले दिन क्या खाएंगे? हैं अगले दिन क्या खाएंगे ये आपके बाबा से पूछेंगे, उन्हें ज्यादा पसंद है। ये मसाले हैं, सुर्ख मिर्च, नमक, सूखा धनिया, हल्दी, जीरा पाउडर, सारे मसाले डाल दूंगी इसमें। ये मैंने देखे मसाले सारे डाल दिए, टमाटर भी उसी तरह, इस तरह मैं थोड़ा सा इतना सा पानी डालूंगी इस मसाले में, ढक्कन दे दूंगी, ये सारा मसाला अच्छी तरह बन जाएगा, फिर इसमें मैं सब्जियां डालूंगी। सीधा खड़ा हो, सीधा नहीं खड़ा हो रहा, क्या खा रहे हो? भूखा दिखाओ, हाथ दिखाओ, क्या खा रहे हो? इसको क्या कहते हैं? सारा पता है, सारा पता है। कल सुबह दिन के टाइम इतनी गर्मी थी, हबस इतनी हुई हुई थी, शाम को हम लोग बैठे, आठ का टाइम था, आठ साढ़े आठ का, तो हल्की सी आवाज़ आई भी जैसे ना पर्दे हिल रहे हैं खिड़की में, मैंने कहा बाहर ऐसे जैसे हवा चल रही है, साथ ही गड़ 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 करके बादल की आवाज़ आई। अभी पूरी आवाज़ नहीं सुनी तो तूफ़ानी बारिश, और तूफ़ानी बारिश के साथ कितने इतने साथ जैसे ये नहीं कि ना इस साइज़ का एक एक दाना था बर्फ़ का, ओले पड़े, छत पर हम नहीं जा सके क्योंकि तूफ़ानी बहुत ज़्यादा बारिश थी। तो हमारे कौन से फ़ोन आईफोन है जो भाई ख़राब नहीं होंगे, इनके अंदर पानी चला जाता है, तो फिर इसलिए सबर शुक्र करके नीचे से ही देखा, बहुत ज़्यादा बर्फ़ हुई, बर्फबारी हुई और बारिश हुई। रात को बिल्कुल पंखे बंद करके ऊपर खेस लिए हुए थे, चादरें लिए, आपने लिया जी? मसाला भर गया माशाल्लाह, अब सिर्फ इसमें डालूंगी गाजरें, गाजरें डाल के दो से तीन मिनट इनको पकाऊंगी। गाजरें डाल दी है, अब ढक्कन दे दूंगी, जरा थोड़ी सी होगी ना फिर गोभी डालूंगी। ना मार में ये देखो हमारे घर बिल्ला आ गया, बारिश में से ना भीग के बिल्ला आया हुआ। तारा ऊपर, ये सांस बंद हो जाएगा। ओ एक और बिल्ला बढ़ गया, ओ एक और बढ़ गया, एक और बढ़ गया, एक और बढ़ गया। गाजरें पक रही, अभी भी गाजरें मैंने टोकरी में रखी थी, बिल्कुल पानी नहीं डाला, प्लेट में सारा निकला, ये देखें फिर भी पानी छोड़ दिया गाजरों में, गाजरों में मैंने अभी पानी नहीं डाला। गोभी भी खुश करके मैंने रखी हुई है, ये देखें बिल्कुल खुश गोभी, बिस्मिल्लाह, गोभी भी डाल दूंगी, मटर भी धो के खुश करके रखी है, मटर भी डाल दूंगी। पता नहीं इसका हैंडल क्यों ढीला है, टाइट भी नहीं होता,
मैंने किया था परसों, मैंने किया था, फिर ढीला हो गया। अभी इनको ना 2-3 मिनट पकाएंगे, जरा पानी खुश्क हो जाएगा, फिर आलू डालूंगी मैं इसमें। अभी इस पर ढक्कन दे दूंगी 3 से 4 मिनट के लिए, इनको हल्की आंच पे पकाऊंगी, ये पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा, फिर आलू डालूंगी। आलू मैंने डाल लिए, अब हल्की आंच पे इनको दम पे रख देंगे, दम पे ये पकेगी। हमने पानी वाला इसमें कोई काम नहीं किया, ना पानी डाला है, क्योंकि आजकल ताज़ी सब्जियां आ रही, गोभी भी ताज़ा है, मटर भी बिल्कुल छोटे छोटे थे, ताज़ा थे, और गाजर भी मैंने जो ली थी ना बिल्कुल इस साइज़ की थी, बारीक बारीक गाजर, मैंने उसे मोटी गाजर डालने नहीं दी। तो सब चीज़ें ही पानी के बगैर ही पक जाएंगी, और पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं। जब गाजरें सख्त आएँ और गोभी के बड़े बड़े, गोभी में तो हर मैंने कभी पानी डाला ही नहीं, तो मटर भी मोटे मोटे आ जाएँ, सख्त आ जाएँ, सर्दियों में मटर इतने नरम ही होते हैं, तो ये ताज़ा मटर आ रहे हैं, ताज़ा ही गोभी, ताज़ी हर चीज़ ताज़ा आ रही है अब माशाल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको खाने नसीब करें, तो इसमें पानी की कोई ज़रूरत नहीं, ये दम पे ही पकेगी, ये बड़ी मज़े की सब्ज़ी पकती है। तो फिर जब पक जाएगी फिर हम दिखाएंगे। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह पानी है ना, इसी पानी में ये सारा कुछ बिल्कुल गल जाएगा। एक और भी चीज़ है, हम लोग खड़ी खड़ी नहीं रखते, हम लोग बिल्कुल गाल के पकाते हैं। मेरे हस्बैंड को खड़ी खड़ी नहीं पसंद, और ये सब्ज़ी उन्हीं की फेवरेट सब्ज़ी है माशाल्लाह। तो ये माशाल्लाह देखे कलर, देखे कितना अच्छा आ रहा है माशाल्लाह। हांडी हमारी अभी पकी नहीं माशाल्लाह, गैस हमारी चले गई है, गैस हमारी चलेगी, अब वेट करते हैं, इसको पड़ी रहने देते हैं, जब गैस आएगी फिर इसकी बनाई कर लेंगे। गैस आ गई है, थोड़ा टाइम के लिए गई है, हांडी ने घी अच्छी तरह छोड़ दी है, कितनी अच्छी बनाई होगी। हल्की आंच पे पकाएंगे ना, अगर आपके पास टाइम है तो हल्की आंच पे, हल्की आंच पे बनाएं तो बड़ा मज़ा आता है खाने का भी और पकाने का भी। अब इसमें डाल देते हैं काली मिर्च, गरम मसाला, कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो धनिया के बगैर अच्छी नहीं लगती, ये सब्जी ऐसी है, गाजर की सब्जी जिसमें धनिया लाजमी है, क्योंकि इसमें मैंने गाजरें ज़्यादा डाली है, रेड रेड है, तो उसमें धनिया डालना लाजमी है। धनिया डाल देती हूँ और मिक्स करके चूल्हा बंद कर देती हूँ। अब बनाएंगे रोटी, फिर खाएंगे, रोटी को लगाएंगे देसी घी। सालन बन गया माशाल्लाह, चूल्हा बंद कर दिया, तो इसी तरह जब सालन बनाऊंगा, वाइट चूल्हा, ये मेरा चूल्हा तकरीबन 16 से 17 साल पुराना मेरा चूल्हा, जब मैंने लिया था तो मेरी अम्मी कहती वाइट चूल्हा ले लिया, ये गंदा बहुत होगा, इस तरह मैंने साथ कपड़ा रखा होता है, गंदा नहीं होता वैसे, जितनी जल्दी गंदा होता ना उतनी जल्दी साफ भी हो जाता है। तो इस तरह खाना बना के हल्का सा गीला करके कपड़ा साथ नीचे शलफ पे मार देती हूँ, और इस पे चूल्हे पे मार देती हूँ, साफ़ हो जाता है बिल्कुल साफ। तो आज का यही था, अब रोटी बनाएंगे अभी नहीं, क्योंकि मगरब की अजान हो रही है, तो खाना हमने खा लिया नमाज वगैरह पढ़ के, तो रोटियाँ अभी इसके पापा भी नहीं, रोटियाँ बनाएंगे तो फिर खाएंगे। तो आज की यही थी वीडियो मिक्स सब्ज़ी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें, अगर ज़्यादा अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें। वीडियो का जो बेल आइकन का बटन है उसको ज़रूर दबाना, क्योंकि जो न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके, नई वीडियो तक इजाज़त दें। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।